हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम अरेवा जीनियस। बहुत समय के बाद, एक बहुत ही लंबे समय के बाद आप सबके सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मैं बेहद खुश हूँ, बेहद मतलब बेहद। आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि हाल ही में पिछले 2-3 महीनों पहले एक नया एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था, जो कि था केंद्रीय विद्यालय KVS। आप सब जानते ही हैं KVS के बारे में। KVS मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। KVS की फुल फॉर्म जो होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन, हेडक्वार्टर जो इसका न्यू दिल्ली। इसने अपना नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन 2022 नाम था। अयो, इसका जो नोटिफिकेशन था वो था 15/22, जो कि आया था लास्ट ईयर 2022 में, जिसमें था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स का टीचिंग में, TGT, PGT, PRT, नॉन टीचिंग का बहुत सारी वैकेंसीज लेके आया था। आप सब जानते हैं KVS के 25 ऑफिसेज हैं इंडिया में, और केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल्स होते हैं वो 1252 हैं ऑफिशियल्स इन इंडिया और डिफरेंट सिटीज़ में, और 3 स्कूल्स हमारे अब्रॉड भी हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, सब हेलीकॉप्टर, ट्रेन, व्रेन सब एक साथ आ जाते हैं। ये देख, हेलो, ओके। सभी बैकग्राउंड की नॉइज़ को इग्नोर करते हुए हम वीडियो को आगे चल करते हैं। सो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में आया था, इसकी एग्ज़ाम फिल करने की जो डेट थी 5 दिसंबर से 26 दिसंबर थी, और हमने स्टार्टिंग में ही फिल कर दिया था, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम सेंटर कब आए, कितनी दूर आए, फॉर्म फिल करना ही है, शॉर्टी है ही, तो हम स्टार्टिंग में ही फिल कर देते हैं, और उसके बाद में इसके एग्ज़ाम के डेट, फिलिंग डेट को एक्सटेंड भी किया था 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। जनवरी 8 तक हो गई थी, इतना मेरे को ध्यान है, आइडिया है। लेकिन जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम डेट बाद में अनाउंस हुई थी। इसका एग्ज़ाम जो डेट थी वो 13 फेब को थी। मैंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो आपको बता ही देते हैं। मैंने अप्लाई किया था TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, WE पोस्ट के लिए, वर्क एजुकेशन पोस्ट के लिए, जो कि आती है आपकी ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, लेवल 7 भी जिसको कहा जाता है, जिसका बेसिक ₹44,900 होता है। इसमें वैकेंसीज आई थी 339 टोटल वैकेंसीज, जिसमें 140 थी UR के लिए, OBC के लिए थी 91। फीस तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ले ली थी, ₹1500 ले रहे थे फीस। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन अच्छा एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन है ही अपनी, अपने को लेवल अप भी मांगता है, तो फिल कर दिया। इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। हालांकि हमने देखा जो बाकी टीचर्स होते हैं साइंस के, मैथ्स के, हिंदी, संस्कृत के, उन सब में BEd भी चाहिए होता है, लेकिन वर्क एजुकेशन जो ऐसा स्ट्रीम है, ऐसा इसमें पोस्ट है, इसमें आपको BEd नहीं मांगता। साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, अगर आप डिप्लोमा डिग्री हैं तो आप फॉर्म फिल कीजिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एक सिलेबस दे दिया था, एग्ज़ाम तो दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, मेरिट में आइए, इंटरव्यू बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिग्री डिप्लोमा के साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए, एक ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर किसी वर्किंग एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो हैं डिज़ायरेबल हैं, एसेंशियल्स नहीं हैं। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा भी है तो भी आप भरिए, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर हम पहुंच गए, एग्ज़ाम जो था वो 3 घंटे का, 3 आवर्स का था, 180 क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें 100 क्वेश्चंस इन्होंने टेक्निकल से पूछ डाले हमसे, 80 क्वेश्चन नॉन टेक से। कमाल की बात तो ये, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सो हम अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो हम रिस्क ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नफा नहीं है। 80 क्वेश्चंस नॉन टेक के जो थे उसमें 50 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी और इंग्लिश से, इंग्लिश ग्रामर से पूछ लिए, हिंदी से पूछ लिए, बेसिक इंग्लिश, नरेशंस, नाउंस वगैरह, और हिंदी से भी पूछ लिया संधि वगैरह, अनुलोम विलोम सब पर्याची वगैरह, और शब्द का भावार्थ वगैरह। बच गए जो 50, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे GK से, लेकिन GK टफ थी दोस्तों, GK काफ़ी टफ थी, उसमें कुछ करंट भी था, पॉलिटी में पढ़ के गया था लेकिन पॉलिटी से पूछा नहीं इन्होंने, हिस्ट्री वगैरह से पूछ के रह गए। और रीजनिंग तो मैंने काफ़ी अच्छी की थी, 20 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के,
और रीजनिंग में सब दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ही मुझसे सॉल्व नहीं होंगे, बट अटेम्प्ट मैंने कर दिए थे बट आंसर नहीं आया, बट मोस्टली निकल गए थे। कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो ईजी थे, अगर आपने सिक्स क्लास से टेंथ क्लास तक भी बेसिक कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा है तो आप कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो था रिटर्न पार्ट। रिटर्न का जो वेटेज है वो है सिर्फ और सिर्फ 70%। रही बात 30% की, वो आपको देना होता है आपके हेडक्वार्टर इंटरव्यू में जाके। इंटरव्यू सेशन इन्होंने कैसे रखा, 60 मार्क्स का रखा, जो जिसका वेटेज है 30%, और इन्होंने कह दिया कि 30 मार्क्स हम आपको देंगे डेमो टीचिंग के लिए, 30 मार्क्स रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड। अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तब बनेगी आपकी मेरिट, तब आप कहलाओगे बीइंग सेलेक्टेड इन केंद्रीय विद्यालय एज ए TGT। इससे पहले आप सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड हो, अभी अपने सिलेक्शन को कंफर्म ना माने। 20 अप्रैल के आसपास इसका रिजल्ट आया था और सभी को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो ये थी भाई बात, हमने किया था प्रिपरेशन KVS के लिए, अब फॉर्म अप्लाई किया था और 2 महीने ही इन्होंने समय दिया था। एक्चुअली समय तो दिसंबर ही हो जाता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में तो एग्ज़ाम ही ले लिया। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है फॉर्म निकलेगा मैं अप्लाई करूँगा एग्ज़ाम डेट आएगी फिर मैं तैयारी करूँगा, अब ऐसा नहीं होता, आपको तुरंत रेडी रहना है किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, मिस नहीं करनी है। खैर इस वीडियो में बताएंगे आगे आने वाली वीडियोस में क्या कैसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए और रिटर्न के लिए भी आप सबको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में अगली बार आपसे, तब तक के लिए शुक्रिया। अरे वाह जीनियस को लाइक सब्सक्राइब देते रहिएगा, थैंक यू।